everyone and a very 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 good morning to all my champions. जितने भी नए students हैं वो इस channel को subscribe जरूर कर लेंगे. चलिए तो let's get started. आज के session की शुरुआत करते हैं full energy के साथ, full enthusiasm के साथ. And the Hindu editorial 7th of October is here for you. सभी को पता है परसों से नया batch start हो रहा है, foundation batch start हो रहा है, complete English का basic to advanced. तो जितने भी बच्चे हैं जो उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, उससे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस परफेक्शन चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाएंगे, गोल सिलेक्ट करेंगे बैंक एग्जाम्स, वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ से गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जहाँ पे कोड में आप क्या लगाएंगे, निमिषा NIMISHA, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अगली बात करते हैं 9 बजे परफेक्शन बैच, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बच्चे के लिए अटेंड करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. और 3 बजे फाउंडेशन बैच, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस. निमिषा कोड को ज़रूर लिख लेना कहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, ये कोड आपको, ये जो कोड है ये अप्लाई करना होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पोजिशन हम चेंज कर देते हैं. हाँ, ये जो कोड है आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे, NIMISHA, इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. चलो स्टार्ट करें आज का सेशन. किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो अपनी मेहनत से ही मिलती है. बिल्कुल सही बात है. अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए जाएंगे. तो वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं. जो पहला वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज एंडेवर्ड. एंडेवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एंडेवर. एंडेवर मीन्स मेहनत, एफर्ट्स, ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग. किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना, दैट मीन्स क्या करना, एंडेवर करना. आप मेहनत कर रहे हो, आप पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हो. क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ड हमारा वर्ब है. अगले वर्ड पे आते हैं रैथ. रैथ क्या होता है, अगर तुम घर टाइम पे नहीं आए तो पापा का रैथ, तुम्हें पापा के रैथ का सामना करना पड़ेगा. रैथ वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, रैथ वर्ड का मीनिंग हो गया एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोध, हद से ज़्यादा क्रोध को क्या बोलते हैं, हद से ज़्यादा क्रोध को हम रैथ बोलते हैं. अगला वर्ड है फ्रांसिस का पार्ट ऑफ स्पीच, बताइए क्या होगा रैथ का. बिल्कुल सही बोला, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. इस रात का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा नाउन है. नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइटिंगली. लास्ट में एल वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा. लास्ट में एल वाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब. फ्राइटिंगली वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत डरावना, बहुत डरावने तरीके को किसी से कोई चीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्राइटिंगली. ऑब्स्क्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ऑब्स्क्योर बहुत बार आता है. ऑब्स्क्योर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अनक्लियर कर देना. ऑब्स्क्योर कर दी गई वो चीज़, मतलब उस चीज़ को छुपा दिया गया, वो चीज़ अब क्लियर नहीं है, दैट मीन्स वो चीज़ क्या है, ऑब्स्क्योर है. तो अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच पूछूँ ऑब्स्क्योर का क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्स्क्योर का, बिल्कुल सही बोला, इट इज़ एन एडजेक्टिव. अच्छा, आज के ना सेशन की खास बात है, खास बात यह है कि आज के सेशन में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस वोकैबुलरी के ऊपर है. 20 से 22 वर्ड्स आज हम वोकैबुलरी के करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में. तो आज के सेशन की वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. अगले वर्ड पे आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज वैनक्विशिंग. वैनक्विशिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बुरी तरीके से हरा देना. किसी को वैनक्विश कर दिया, मतलब क्या किया, किसी को हरा दिया. वैनक्विशिंग लिखा हुआ है, ing लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब. ये हमारा वर्ब है, राइट. आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज हैट टिप. हैट टिप क्यों यूज़ करते हैं, हैट टिप हैट की टिप नहीं है, इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज है. ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है जब आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस चीज़ के लिए आप उसको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, उसको थैंक यू शो कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो क्योंकि उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसका मतलब क्या हो गया, हैट टिप. यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू समवन बिकॉज ही गेव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स हैट टिप. ये क्या है, हमारा एक ईडियम है, दिस इज़ अ ईडियम. अगला वर्ड है डिबिलिटेट.
डिब्रिटेट कर देना, मतलब किसी को और कमज़ोर कर देना, किसी को और कमज़ोर कर दिया और वीक कर दिया, मतलब क्या कर दिया, डिब्रिटेट कर दिया। कहने से क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, दिस वर्ड इज अ वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं रैनसम। रैनसम अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिरौती देना, मतलब कुछ अमाउंट दिया गया क्योंकि आपने किसी को किडनैप कर लिया है और उस किडनैप को वो छुड़ाना चाहता है, किडनैप्ड इंसान को, उसने जो फिरौती दी उसको क्या बोलते हैं, उस फिरौती को, उस सम ऑफ मनी को, व्हाट डू वी कॉल इट अ नाउन। दैट मीन्स रैनसम क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, रैनसम इज अ नाउन। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मेटाइज। ये वर्ड तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ये वर्ड मुझे लगता भी आप लोगों को याद हो गया, एक सॉन्ग भी आया था, कौन सा सॉन्ग था आप लोग मुझे बताएंगे, कलंक है, कलंक नहीं है शायद, कुछ समथिंग लाइक, कुछ ऐसा एक सॉन्ग था, आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सा सॉन्ग था वो। स्टिग्मा नहीं है, इश्क कलंक नहीं है, पता नहीं टीका है, समथिंग लाइक दिस, एक सॉन्ग भी आया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा। तो स्टिग्मेटाइज कर देना मतलब किसी चीज़ को कलंकित कर देना, मतलब किसी चीज़ को बड़ा ख़राब नज़रों से देखना, मीन्स स्टिग्मेटाइज कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज अ वर्ब, ये हमारा क्या है, वर्ब है। लेजिटिमेट, समथिंग इज लेजिटिमेट मीन्स समथिंग इज लीगल, कोई चीज़ लेजिटिमेट होती है इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी लीगल है, लीगल है इसका मतलब एडजेक्टिव है, एंड लेजिटिमेट मीन समथिंग दैट इज लीगल, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स एंड लॉस। कोई ऐसी चीज़ जो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट। ड्यूबियस बहुत बार आया है ये वर्ड, डाउट से बना है, सबसे पहले तो लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है, लास्ट में ओ यू एस लगा हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा, ड्यूबियस पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस लगता है वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो ड्यूबियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। ड्यूबियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो इंसान हमेशा डाउट करता है, जो हेजिटेट करता है, जो डाउट करता है, जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, उस इंसान को हम ड्यूबियस बोलते हैं। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मीन्स आपके लॉजिक क्या है, आपकी युक्ति क्या है, आप क्या प्लानिंग करके काम कर रहे हो, वो आपके टैक्टिक्स हैं। नाउ आउटक्राई, आउटक्राई का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो आउटक्राई मीन्स प्रोटेस्ट करना, चिल्लाना, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ अगेन। होस्टाइल, होस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, खराब रिलेशंस होना, होस्टाइल रिलेशंस है भाई, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, एमिकेबल रिलेशंस नहीं है, एनिमोसिटी है, लड़ाई है आपस में, बेलिजरेंस है, कैसे रिलेशंस हैं, अनफ्रेंडली रिलेशंस हैं। हॉस्टाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, हॉस्टाइल इज अगेन व्हाट, एडजेक्टिव। 220 रूट वर्ड्स की सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, आई होप यस एवरीवन इज फॉलोइंग दैट 220 रूट वर्ड सीरीज, ऑलमोस्ट सारे के सारे वर्ड्स आपके 220 रूट वर्ड्स में आपको मिल जाएंगे। आने हमेशा बंसल यूट्यूब चैनल पे हो रही है रोज 11 बजे। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूटेटिव। सबसे पहले तो लास्ट में आई वी ई लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में आई वी ई लगता है वो क्या होते हैं, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, इसका मतलब प्यूटेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को आप कुछ कंसिडर करते हो, उसको जो मानते हो उसको बोलते हैं प्यूटेटिव, प्यूटेटिवली ऐसा कंसिडर करते हुए। फोमेंट, फोमेंट का मतलब क्या होता है, आग बबूला कर देना, भड़का देना किसी को, फोमेंट कर दिया, किसी को भड़का दिया, किसी के अंदर गुस्सा था उस गुस्से को एक नया रूप दे दिया और उस गुस्से को सामने ला दिया, दैट मीन्स क्या किया, फोमेंट कर दिया। क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, बिल्कुल सही बोला, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। सुओ मोटू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, इस वर्ड के आगे स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। सुओ मोटू, सुओ मोटू का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा एक्शन जो किसी की बिना बोल सकते हैं, सामने वाले ने आपको बोला नहीं ऐसा करने के लिए, बट फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, आपके अंदर से वो चीज़ करने की आ रही है। सू, सू का मतलब होता है खुद का, खुद का। मोटू, मोटू का मतलब होता है मोटिव, खुद का मोटिव है वो काम को करना, बाहर से आपको कोई प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है, बाहर से आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है बाहर से, इट इज़ अ सुओ मोटू, इट इज़ अवर ओन मोटिव, इट इज़ अवर ओन ऑब्जेक्टिव, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम सुओ मोटू बोलते हैं। स्वैग,
स्वैब होता है, अगर आपने देखा हो स्वैब टेस्टिंग हो रही है आजकल कोरोना वायरस की, कौन सी टेस्टिंग होती है? स्वैब टेस्टिंग होती है. स्वैब इज व्हाट सम पीस ऑफ मटेरियल जिसको सर्जरी में यूज़ करते हैं, कॉटन का जो मटेरियल होता है उसको सर्जरी में टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं स्वैब. रिलक्टेंस, अच्छा सुओ मोटो एक फॉरेन वर्ड है. इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ फॉरेन वर्ड. स्वैब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? स्वैब हमारा नाउन है, राइट. रिलक्टेंस ए एन सी लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ए एन सी लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? वो शब्द हमारे नाउन होते हैं. रिलक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? हिचकिचाना किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने से अपने आप को रोकना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट थिंग एज रिलक्टेंस. आज तो मैम थक गए वर्ड्स पढ़ते पढ़ते, इतने सारे शब्द हैं. हाँ, आज बहुत सारे वर्ड्स इसलिए हैं क्योंकि वोकैबुलरी में हम रोज़ 10-10 वर्ड्स कर रहे थे. आज के जो आर्टिकल्स हैं, आज का जो द हिंदू है उसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, आई वॉन्टेड कि मैं आपको सारे वर्ड्स करवाऊँ, इसलिए आज बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉब ऑफ मीन्स किसी चीज़ को ट्रिक से, किसी चीज़ को दिमाग से हटा देना, उसको क्या बोलते हैं? फॉब ऑफ. टू पुट ऑफ विद अ ट्रिक एक्सक्यूज और इन्फीरियर सब्स्टिट्यूट, किसी चीज़ को हटा देना ट्रिक से, उसको दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, फॉब ऑफ. काउच्ड इन किसी चीज़ को ऐसे शब्दों में बोलना कि आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ बोले, कुछ ऐसे शब्द यूज़ करना किसी चीज़ को सामने रखते समय कि आपने बहुत प्लानिंग के साथ सामने वाले को फंसाने के लिए वो शब्द यूज़ किए, उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो क्या होता है? काउच्ड इन. बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, रात रात भर बैठ के मेहनत करना, पूरा का पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल. ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये हमारा क्या है? ये हमारी एक ईडियम है. समझ में आई वोकैबुलरी सभी को? अब मेरा आप सभी से एक क्या कह सकते हैं, नाराज़गी है. वो नाराज़गी इस बात पे है कि 925 बच्चे देख रहे हैं, 925 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, लेकिन लाइक्स केवल 320 हैं. तो जिन 600 बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, एक बार अभी के अभी तुरंत लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे. सबसे पहले तो लाइक कर दो, 900 बच्चे, 950 बच्चे देख रहे हैं तो 950 लाइक्स तो होने ही होने चाहिए, और 950 साथ के साथ शेयर्स भी होने चाहिए एवरीवन. और जो जो लाइक और शेयर करता जा रहा है बताते जाओ. चले आगे बढ़ते हैं, आज के आर्टिकल को ख़त्म कर स्टार्ट करते हैं, सॉरी आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं. ऑलरेडी लाइक शेयर कर दिया, जितने बच्चों ने शेयर किया एक बार जल्दी से बता दो कि मैम हमने शेयर कर दिया है. चलिए, वैनक्विशिंग वायरसेस. वैनक्विशिंग का मतलब क्या होता है? वायरस को हराने की बात हम कर रहे हैं कि इस वायरस को कैसे हराया जाए, वैनक्विश किया जाए. द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, जो मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज बोला गया है, इज़ एन इंस्पिरेशन. ये रिसर्चर्स के लिए इंस्पिरेशन है हु वर्किंग ऑन SARS-CoV-2, जो इस पर काम कर रहे हैं उनको वो और ज़्यादा मेहनत करें, इसका जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन निकाल के लाएँ. तो उनकी इंस्पिरेशन के लिए उनको क्या दिया जाएगा? उनको इंस्पायर करने के लिए क्या बोला गया कि आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा. बट इट इज़ समथिंग विच विल इंस्पायर देम, विच विल इंस्टिगेट देम, विच विल प्रोवोक देम, विच विल मोटिवेट देम टू गिव देयर बेस्ट एंड फाइंड अ वैक्सीन सून. कर दिया शेयर, कर दिया. चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरी वन. रीड इट, फर्स्ट पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन. थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है बट आपको ओवरऑल मीनिंग समझ में आना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. चलो क्या लिखा हुआ है. एट अ टाइम, एक ऐसा समय
व्हेन द वर्ल्ड इज फेस्ड विद, जब दुनिया फेस कर रही है मल्टीपल असॉल्ट, इतने सारे असॉल्ट, असॉल्ट का मीनिंग इतना सारा टॉर्चर फेस कर रही है दुनिया, फ्रॉम अ फ्राइटिंगली, एक बहुत डरावने ऑब्स्क्योर वायरस, एक बहुत डरावने और एक ऐसे वायरस जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, एक ऐसे वायरस जब दुनिया इतना ज़्यादा टॉर्चर फेस कर रही है, इट कैन नॉट बी मियर कोइंसिडेंस, ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मियर का मतलब क्या होता है? केवल। ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि जो नोबेल कमेटी है उसने डिसाइड किया कि वो 3 साइंटिस्ट को अपॉइंट करेगी, वो पील्ड द लेयर्स ऑफ अनदर वायरस, जिन्होंने दूसरे वायरसों की वैक्सीन बनाई थी। पील्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? लेयर को हटा देना। तो उन्होंने दूसरे वायरस की वैक्सीन बनाई थी, दैट कन्फाउंडेड जनरेशंस ऑफ फिजिशियंस, जिसके बाद बहुत सारे फिजिशियंस आए। कौन कौन से उन्होंने वायरस की वैक्सीन बनाई? हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन बनाई, इसकी वैक्सीन बनाई। उन 3 साइंटिस्ट को क्या किया जाएगा? उन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो ऑथर ने बोला कोइंसिडेंस नहीं है, ये नोबेल कमेटी इसलिए कर रही है कि बाकी के जो साइंटिस्ट हैं जो कोरोना की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं वो इंस्पायर हो जाएं कि हमको भी नोबेल प्राइज मिलेगा, और वो और मोटिवेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट कर दें। द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन टू हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को मिल रहा है नोबेल प्राइज, इज अ स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? किसी को अप्रूव करना। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क, जो उन्होंने इतना सालों काम किया है उसको बहुत अच्छी तरीके से अप्रूव किया जा रहा है, उसको उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, दैट वेंट टूवर्ड्स, और वो काम उन्होंने किस चीज़ की तरफ किया? Identifying one of the world's greatest scourges. Scourges word का meaning क्या होता है? Something that causes a lot of pain. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत दर्द देती है। तो उन्होंने कैसा काम किया कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द को identify किया। But to see it shorn of the context it is couched in would be to miss the larger point or purpose it could serve. लेकिन अगर हम सिर्फ इसको ऐसे देखें कि जिस वजह से किया जा रहा है, हम बस इसको ऐसे देखें कि इन साइंटिस्ट को इसलिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो हम बड़े पर्पस को मिस कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है बड़ा पर्पस क्या है? इस नोबेल प्राइज को अभी देने का, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देने का पर्पस क्या है? पर्पस ये नहीं है कि इन तीनों को हम अवार्ड देना चाहते हैं, पर्पस कुछ और है, बड़ा पर्पस कुछ और है। बड़ा पर्पस क्या है? बड़ा पर्पस है कि बाकी के साइंटिस्ट इंस्पायर हों और वो कोविड की वैक्सीन जल्दी बनाए। चलिए आगे, जैसे आप पढ़ लेंगे आप कमेंट करेंगे, डन। खुद से पढ़ना है आपको पहले। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? चूजिंग रिसर्चर्स, उन रिसर्चर्स को चूज करना हु वेंट आफ्टर अ पैथोजन, जो एक वायरस के पीछे चले गए एंड सक्सेसफुल हो गए इन अनरैपिंग द होल पजल, उस पूरी पजल को सॉल्व करने में वो सक्सेसफुल हो गए, एक ऐसे समय पे जब दूसरे थक गए थे इन अ डेली बैटल, रोज की बैटल में जो इस वायरस के खिलाफ हो रही थी, इज ऑल्सो अ हैट टिप, ये एक हैट टिप है। हैट टिप का मतलब क्या है? उनको अवार्ड दिया जा रहा है, आप उनको थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहे हो टू द वायरोलॉजिस्ट, उन वायरोलॉजिस्ट और उन जेनेटिसिस्ट के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनको 9 महीने हो चुके हैं अब तक। मतलब ऑथर ने क्या बोला कि जो अवार्ड दिया जा रहा है ये हैट टिप है, उनको हम अवार्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करी, 9 महीने हो गए और 9 महीने तक उन्होंने दिन रात मेहनत की है। दी एकोलेट्स, एकोलेट्स का मतलब क्या है? जो ऑनर है वो किसको दिया जा रहा है? वेंट टू द 3, उन तीनों लोगों को ऑनर दिया जा रहा है, नोबेल प्राइज दिया जा रहा है।
फॉर आइडेंटिफाइंग द वायरल ऑरिजिन ऑफ हेपेटाइटिस सी. उन्होंने वायरल ऑरिजिन जी हेपेटाइटिस सी किस वजह से होता है, कौन से वायरस की वजह से होता है, इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया है. देयर वर्क, उनका जो काम है, द नोबेल स्टेटमेंट सेट, नोबेल स्टेटमेंट ने क्या बोला कि उनका जो काम है कैरेक्टराइज दिस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, उन्होंने इस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस को एक अलग एंटिटी बना दिया है. कॉज बाय, उन्होंने बताया है कौन से वायरस से होता है हेपेटाइटिस सी. एक आरएनए वायरस से होता है जो फ्लैवी वायरस फैमिली का है, जिसको क्या बोला जाता है, एचसीवी बोला जाता है. इनफैक्ट इट वॉज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस. इनफैक्ट जब हेपेटाइटिस बी वायरस की डिस्कवरी की गई थी और सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी, बारूच ब्लूमबर्ग जिनको यंग ऑल्टर, जिसके साथ यंग ऑल्टर कंपनी ने कोलैबोरेट किया, उनको अवार्ड दिया गया था 1976 मेडिसिन नोबेल का. मतलब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इन्होंने बनाई थी, इनको तब नोबेल प्राइज दिया गया था. और हेपेटाइटिस सी का जब वायरस जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिन तीन लोगों ने, उन तीनों को नोबेल प्राइज अब दिया जा रहा है. हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूँ टोन कौन सी है इस पैसेज की, क्या मैं कह सकती हूँ जो टोन है इस पैसेज की, दैट इज पॉजिटिव. टोन हमारी पॉजिटिव है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज रीड इट. आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर, लेकिन इवन द आइसोलेशन ऑफ द एचबीवी, हमने एचबीवी वायरस को निकाल दिया, आइसोलेट कर दिया, इससे सिर्फ इस बीमारी को कॉन्ट्रैक्ट करने का जो रिस्क है वो थोड़ा सा ही एलिमिनेट हुआ. एचबीवी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, प्रॉब्लम रुकी हुई थी. एचबीसी को भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. द सर्कल वॉज ओनली कम्प्लीट, सर्कल तभी कम्प्लीट हुआ जब एच सी वी की डिस्कवरी हुई. अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एच बी वी एंड एच सी वी बहुत बड़े कॉजेज हैं मोर्टैलिटी. मोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं. बहुत बड़ा कॉज है एच बी वी एंड एच सी वी. एंड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, वो डिसीज हो जाते हैं, उनको डिसीजेज लग जाती हैं. With 1.34 million deaths होती हुई थी 2015 में, 63% इंक्रीज हो गया था 1990 से, मेनली ड्यू टू एचसीवी. अभी वाले जिन लोगों ने निकाला है उनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, और इससे पहले जो था एचबीवी उसका नोबेल प्राइज दिया गया था 1976 में. द नंबर ऑफ डेथ्स इज ऑल्सो कंपेरेबल टू दैट कॉज बाय टीबी. टीबी से जितनी डेथ्स होती है उतनी ही नंबर ऑफ डेथ्स इससे भी होते हैं, कंपेरेबल हैं दोनों चीज़ें. एंड हायर देन दैट कॉज बाय एड्स, और एड्स से ज़्यादा डेथ्स इस बीमारी से होती है. द डिस्कवरीज ऑफ एच बी वी एंड एच सी वी एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स, कि कैसे चेक करेंगे कि लोगों को ये बीमारी है या नहीं, हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड. इससे हुआ क्या है, जो ट्रांसमिशन है इस बीमारी का जो ब्लड से जाता है वो ख़त्म हो चुका है बहुत सारी दुनिया में. समझ में आया सभी को, पैसेज क्लियर है. कुछ ग्रामर करते हैं, बिकॉज ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फोकस करते हैं ग्रामर पे. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये डेथ्स यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे इज क्यों यूज़ किया गया. डेथ्स तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो आ रहता है, तो यहाँ पे इस क्यों यूज़ किया गया है, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि 1.34 मिलियन डेथ्स लिखा हुआ है, ये मिलियंस क्यों नहीं लिखा हुआ, ये मिलियन क्यों लिखा हुआ है. तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे बताएंगे इस इफेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच, इस स्क्रीनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच और इस रूटीन्स का पार्ट ऑफ स्पीच, इन तीन वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीचेस आप मुझे बताएंगे. फोर्थ थिंग मेरी आपसे ये है कि वर्ल्ड के साथ मच क्यों यूज हो रखा है. ये चार से पांच सवाल हैं आप सभी के लिए.
चलिए पहला कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बहुत ध्यान से समझेगा। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी द नंबर ऑफ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, द नंबर ऑफ, तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर इन दिस केस। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करता है, इसका मतलब बहुत सारे नहीं होता। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन द नंबर ऑफ जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करता है। एंड द नंबर ऑफ ऑलवेज यूजेस द सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये जो इज है ये डेथ्स के लिए नहीं है, इन डेथ्स के नंबर के लिए है। इसका मतलब इज यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यहाँ पे हमने मिलियन क्यों यूज किया, ध्यान से समझेगा। दिस इज अ नंबर, दिस इज अ यूनिट एंड दिस इज अ नाउन। नंबर, यूनिट और नाउन, जब भी आपके पास एक कॉम्बिनेशन होगा नंबर, यूनिट एंड नाउन, तो ये जो यूनिट होगी ये हमेशा सिंगुलर होगी। दिस यूनिट इज ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया, मिलियन। तीसरे क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर दे देती हूँ। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है इसको ध्यान से समझिएगा। रूटीन्स एक नाउन है, रूटीन्स एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, स्क्रीनिंग एक एडजेक्टिव है, और इफेक्टिव भी मुझे नाउन के बारे में ही बता रहा है। रूटीन्स इफेक्टिव है, इसका मतलब इफेक्टिव भी एडजेक्टिव है। बोथ ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर आप इस शब्द को ध्यान से देखोगे तो ये v1 प्लस ing है, स्क्रीन प्लस ing है, और जब भी v1 प्लस ing एडजेक्टिव की तरह यूज होता है उसको हम एक नए नाम से जानते हैं, और वो नया नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो नया नाम क्या होता है बच्चों, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब ये जो स्क्रीनिंग है ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कोई डाउट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन मेरा आप सभी लोगों से था कि यहाँ पे मच ऑफ द वर्ल्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो एक है, और इस वर्ल्ड को हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड को काउंट नहीं कर रहे हम, वर्ल्ड को हमने एक ओवरऑल एक कंप्लीट चीज की तरह माना है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह माना है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल चीजों के साथ जो वर्ड आता है वो मच आता है। दैट मीन्स मच यहाँ पे सही है। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नहीं है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पैसेज। चलिए 1000 प्लस स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, लाइक्स भी 1000 होने चाहिए एटलीस्ट। डन, चल देखते हैं। ऑल्सो विद द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स, अगर अच्छी ड्रग्स बन गई HCV के अगेंस्ट, तो पॉसिबल है कि ये जो इन्फेक्शन है इसका जो खतरा है वो कम हो जाएगा, एंड होपफुली बी एलिमिनेटेड सून, और बहुत जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगा। दिस दैट इज़ वॉट, यही चीज़ है जो यहाँ के साल के जो लॉरिएट्स हैं, लॉरिएट्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो इतने बड़े हैं, इतने ट्रिमेंडस हैं। द नोबेल कमेटी ने क्या बोला, कॉल्ड इट अमंग द मोस्ट इम्पैक्टफुल साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट ऑफ द 20th century। 20th century के सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल अचीवमेंट्स हैं। इन ट्रू लीनियज ऑफ अदर नोबेल प्राइजेस फॉर मेडिसिन, अगर हम पूरा का पूरा लीनियज देखें, लीनियज का मतलब क्या है, कैसे डिसेंड हुआ है, मतलब कैसे पहले से लेकर अब तक के सारे नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, देयर आइडेंटिफिकेशन, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो रिप्रेजेंट करता है माइलस्टोन अचीवमेंट्स। माइलस्टोन अचीवमेंट्स को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो अचीवमेंट्स जिन्होंने मेडिसिन को रिवोल्यूशनाइज किया है और ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव किया है, उन्हीं लोगों को नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया जाता है। द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी की जीत हुई है, ट्रायम्फ का मीनिंग क्या होता है, विक्ट्री, जो ह्यूमैनिटी की जीत हुई है
इन पैथोजेंस के ऊपर, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, इन वायरसेस के ऊपर, दैट डीब्रिटेड, जो लोगों को वीक बना देते हैं, जो लोगों को मार देते हैं, मेन और वेमेन को मार देते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सेलिब्रेट करने के लायक है। और इस अचीवमेंट को शोकेस करने से, इस अचीवमेंट को लोगों को शो करने से एक बहुत इंस्पायरिंग मैसेज जाएगा एक ऐसे टाइम पे जब दूसरा वर्ल्ड जो है, दूसरा वायरस जो है दुनिया को क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। समझ आया सभी को आर्टिकल? आर्टिकल क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट्स फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट नाउ। ग्रामर को देखते हैं। ओके, कुछ सवाल मेरे जवाब आपके, सवाल मेरे जवाब आपके। पहला सवाल जो मेरा आप सभी से है वो ये है कि अमंग और बिटवीन में क्या फर्क होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सब्सटैंशियली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सेलिब्रेटिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, इंस्पायरिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, बी एलिमिनेटेड सून ही एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। चलिए बताइए, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर 5 out of 5। कितने स्टूडेंट्स के 5 out of 5 आते हैं। चलिए, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, बिटवीन 2 के लिए, और 2 से ज़्यादा दोनों के लिए यूज़ होता है। अमंग कभी भी 2 लोगों के लिए यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन बिटवीन जो है 2 के लिए भी यूज़ हो सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सकता है। जब चीज़ें क्लियर नहीं होती, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती कौन कौन से अकम्पलिशमेंट्स हैं ये बता नहीं रखे, तो क्या यूज़ करते हैं? अमंग। जब चीज़ें क्लियर होती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बिटवीन, 3 countries, अमंग। चीज़ें क्लियर नहीं है, अमंग। चीज़ें क्लियर है, उनके नाम स्पेसिफिकली दे रखे हैं, क्या यूज़ करोगे? बिटवीन। बिल्कुल सही है। सब्सटैंशियली इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है, इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब है। अब ये वाला, ये दोनों वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स, अगर आप इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखोगे, ये जो है एक एडजेक्टिव है, ये इंस्पायरिंग जो है ये भी एडजेक्टिव है। कैसा मैसेज? इंस्पायरिंग मैसेज, एडजेक्टिव है। क्या सेलिब्रेटिंग है? दैट सेलिब्रेटिंग है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव। ये दोनों के दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव है, लेकिन इनकी असलियत क्या है? इनकी असलियत है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी, आप उसको किस नाम से जानते हो? आप उसको जिस नाम से जानते हो वो नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये दोनों शब्द हमारे क्या है? ये दोनों शब्द हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला सवाल था मेरा आप सभी से, बी एलिमिनेटेड सून, विल प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी मॉडल वर्ब, उसके साथ अगर बी ई लगता है, उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है? ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस नहीं है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे स्किमिंग। अगले आर्टिकल से पहले मैं आप सभी लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, एक वार्निंग देना चाहती हूँ। कोई भी भावनाओं में नहीं बहेगा, भावनाओं में नहीं बहना है, सिर्फ स्किमिंग करनी है और ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? चल तो पढ़ते हैं। स्किम दिस फर्स्ट पैसेज एंड टेल मी व्हाट इज द ओवरऑल मीनिंग। आपको ओवरऑल मीनिंग समझना है, आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, आपको मुझे ओवरऑल मीनिंग बताना है कि इस पूरे पैसेज का ओवरऑल मीनिंग क्या है।
चलिए, व्हाट इज द ओवरऑल मीनिंग? ओवरऑल मीनिंग क्या है? ओवरऑल मीनिंग ये है, कैसे स्किमिंग करते हैं, ध्यान से समझना, हाउ डू वी स्किम? जो इतने सारे केसेस हुए उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुए कॉन्स्पिरेसी के, कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, सेडिशन है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है, एक ये इनसेंसिटिव हालांकि अनसरप्राइजिंग रिस्पॉन्स है उस आउटरीच के खिलाफ जो रेप का हुआ, पब्लिक जो आउटरीच कर रही है, पब्लिक जो प्रोटेस्ट कर रही है, और कैसे उस ऑफिशियल जो है उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि वो षड्यंत्र है। पहली बार तो उन्होंने क्या बोला, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कॉन्स्पिरेसी में कन्वर्ट हो जाएं, ये ऐसा दिखाया जाए कि कुछ षड्यंत्र रचा गया था, कास्टिज्म को ले आए यहाँ पे, रेप केस को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी रेप हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को, मीडिया को उस गर्ल की फैमिली से मिलने से मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी दिखा रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्चर ऐसा शो हो रहा है कि जस्टिस के खिलाफ है, चीज़ें क्या करी जा रही हैं, जस्टिस के खिलाफ हो रही हैं, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा ऑथर ने बोला। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या बोला ऑथर ने, ऑथर ने क्या बोला आगे, ऑथर ने आगे बोला कि अब इसमें ये बात तो एक्सपेक्टेड थी कि स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बैकलैश होगा, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, बैकलैश देंगे। तरीका क्या है अपनी इमेज को बचाने का, कि विक्टिम के लिए एम्पैथी शो कर दो, उसके दर्द को फील कर लो, और क्या बोलो कि हाँ भाई प्रोटेस्ट करो, जस्टिस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उनको लीगल करो। उस लड़की ने जिसका रेप हुआ था उसने नाम बता दिए कि किस लोगों ने उसके खिलाफ ये चीज़ की है। इवन दो द सस्पेक्ट्स नेम्ड बाय द 19 ईयर ओल्ड बिफोर अ डेथ इन अ दिल्ली हॉस्पिटल हैव बीन अरेस्टेड, हालांकि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, FIR में गैंग रेप के चार्जेस थे, लेकिन ये बात क्लियर है कि जो गवर्नमेंट है वो एक ड्यूबियस टैक्टिक्स यूज कर रही है, डाउटफुल टैक्टिक्स यूज कर रही है, क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट के सिग्नल्स में, और वो प्रिवेंट कर रही है क्या चीज़ कि पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ हो जाए, कोशिश करिए कि पब्लिक सपोर्ट में बनी रहे, पब्लिक खिलाफ ना हो। इस बात को समझते हुए कि SIT के फॉर्मेशन से वो डैमेज कम नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट की इमेज को हुआ है इस बार इस केस की हैंडलिंग की वजह से, चीफ मिनिस्टर ने क्या रिकमेंड किया कि CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे मामले के ऊपर। आगे जस्ट स्किमिंग करनी है, ओनली स्किमिंग, टू पैसेजेस, यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड स्किम एंड टेल मी इन वन लाइन क्या समझ में आया। आगे को लिखा हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, खुद से इस केस को अपने ऊपर ले लिया कि मैं इस केस को सॉल्व करूँगा, सुओ मोटो का मीनिंग क्या था, खुद से ले लेना। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने तो ये भी रिमार्क किया कि रेप हुआ ही नहीं था, उसने बोला कोई भी सीमेन नहीं था जो विमेन का जो DNA एनालिसिस हुआ उस पर, और ये क्या दिखाता है कि ऑफिशियल रिलक्टेंस है, वो लोग एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि ये जो रेप हुआ है या ये कोई ऑफेंस का पार्ट भी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि जर्नलिस्ट जब हाथरस जा रहा था और तीन लोगों को कैप्चर कर लिया गया, डिटेन कर दिया गया, रोक दिया गया, उनको एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से भी लिंक किया गया, वो ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम आया था जब रायट्स हुए थे और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, उस ऑर्गेनाइजेशन से उन लोगों को लिंक किया गया। टैक्टिक्स मीन्स दिमाग यूज करना। नेक्स्ट,
आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्या रेस करता है कि क्या किया जा रहा है, इस नैरेटिव को, इस रेप केस को एक पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वायलेंस कर रही है, जो षड्यंत्र रच रही है, सारे प्रोविजंस को यूज़ किया जा रहा है सेडिशन की, लोगों को भड़काने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के। और ये थ्योरी बनाई जा रही है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही है जिससे कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए, गवर्नमेंट को वहाँ से निकाल दिया जाए, केस को चेंज किया जा रहा है, पॉलिटिकल रूप एक दिया जा रहा है इस पूरे के पूरे केस को। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट ने कोशिश की होती कि वो एक हीलिंग टच दे, विक्टिम्स को रीअश्योर करे और अपनी अपने जो गुस्सा है उसको रोक के रखे उन लोगों के लिए जिन्होंने उस क्राइम को किया है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि विक्टिम की फैमिली को एक हीलिंग टच मिलता, उनको हेल्प मिलती, विक्टिम्स को रीअश्योर किया जाता कि उनको इंसाफ मिलेगा, और जितना भी गुस्सा है वो किसके लिए रखा जाता, जिन लोगों ने वो क्राइम किया है उन लोगों के लिए रखा जाता। चलिए लास्ट, आगे क्या लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिशियन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को फोर्स कर रही है, विक्टिम की फैमिली के ऊपर प्रेशर बना रही है, और कोई भी एक यूनाइटेड वॉइस जो है सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ उसको उठने से रोक रही है, कम्युनिटीज़ पे अटैक्स के खिलाफ जो वॉइस है उसको रोकने से उसको उठने से रोक रही है, और एक बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो अनरीजनरेट कास्ट हायरार्की का है सोसाइटी पे, उसके खिलाफ जो वॉइस है उसको उठने से रोका जा रहा है। मतलब इट इज़ बेसिकली थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ है सेक्सुअल वायलेंस जो हुआ, सेकेंड थिंग इज कास्टिसिज्म जो हुआ, और तीसरी चीज़ है ऑपरेशन ऑफ द फैमिली जो हुआ। इन तीनों चीज़ के ऊपर ऑथर ने पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है कि ये तीनों चीज़ों के खिलाफ अब वॉइस उठानी चाहिए। चलो अब तैयार हैं क्विज के लिए, एवरीवन रेडी फॉर द क्विज? पांच सवाल करेंगे, वील सॉल्व फाइव क्वेश्चंस। तैयार, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर 5 out of 5 इन टुडेज क्विज, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दिखने में आसान क्वेश्चंस हैं बट मुश्किल भी हो सकते हैं, तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर 5 out of 5 टुडे। एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है अभी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग होती है ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकेजनली ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल एग्जाम में। ऑप्शन नंबर डी ओकेजनली। नेक्स्ट वन, ये वर्ड तो हमने कल की 220 रूट वर्ड्स वाली सीरीज में पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा ये रूट वर्ड हमने कल की सीरीज में पढ़ा था। ग्रेगेरियस जो ग्रुप बना लेते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, अमिकेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्पेलिंग सही है रेजिस्टेंस की? राइट, ऑप्शन नंबर ए रेजिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन, एरोनियस की कौन सी स्पेलिंग सही है, जो गलत होता है इंसान एरोनियस? राइट, ऑप्शन नंबर बी एरोनियस। टेल मी योर स्कोर्स एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स मुझे अपने स्कोर्स बताएंगे। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपका कि जो नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन, ये उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा जो लोग कोविड के वायरस पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको अपने ओपिनियंस लिखने हैं कि ये कैसे इंस्पिरेशन होगा और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हो सकता है उन लोगों के ऊपर जो सार्स कोविड वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सभी लोगों को लिखना है, 2 लाइन लिखना, 3 लाइन लिखना, बट एवरीवन हैज़ टू राइट इट। अगली चीज़ है ये पूरा का पूरा वोकैबुलरी क्विज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम 10 वर्ड्स के मीनिंग्स तो आपको आने चाहिए। यू हैव टू राइट एटलीस्ट मीनिंग्स ऑफ 10 वर्ड्स, 10 शब्दों के मीनिंग सभी को लिखने हैं। अगली बात है, सभी लोगों को पता है 1:30 बजे आपकी टॉप 100 क्वेश्चंस की एरर डिटेक्शन की क्लास हो रही है। ये वाली क्लास किसी एक सिंगल बच्चे को भी गलती से भी मिस नहीं करनी है,
सिर्फ आधा घंटे की क्लास होगी, ओनली हाफ एन आवर क्लास है। 1 बजे बिल्कुल टाइम पे आ जाना, 1 मिनट की देरी भी नहीं होनी चाहिए। 1 PM शार्प ये क्लास, सॉरी 1:30 PM शार्प ये क्लास शुरू होती है, 1:30 बजे एग्जैक्ट आ जाना, 1 मिनट की देरी भी ना हो, 1:30 से 2 बजे तक की क्लास होगी। बहुत ज़रूरी क्लास है, टॉप 100 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपको पूरे के पूरे करने हैं। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, निमिषा बंसल उस पर सर्च करोगे, फॉलो बटन पर क्लिक करोगे, स्पेशल क्लासेस में जाओगे मेरी और आपको ये क्लास मिल जाएगी। 1:30 बजे आपको टाइम पे आना है। अगर आप क्लास में नहीं आ पा रहे हो टाइम पे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद निमिषा बंसल, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, और वहाँ पे आपको इस क्लास का लिंक रोज़ 1:30 बजे से पहले पहले मिल जाएगा। तो इसमें आप सभी को आना है, एवरीवन हैज़ टू ज्वाइन दिस क्लास एट एनी कॉस्ट। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, कंप्लीट इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, 3 बजे उसकी क्लास होगी। परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिन बच्चों को मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए, इसकी क्लास 9 बजे होगी। तो जितने भी बच्चे हैं जो इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, वो आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जिससे कि आप 9 बजे वाली क्लास में अभी आ पाएँ। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन, गोल सिलेक्ट करना बैंक एग्जाम्स, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, वहाँ पे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। रेफरल कोड में क्या एंटर करना है, निमिषा, NIMISHA, इस कोड को लिख लो, इस कोड को यूज़ करोगे डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मेरी कंप्लीट ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस की सारी वीडियोज़ मिलेंगी, कंप्लीट वीडियोज़ मिलेंगी, मेरे सारे मेंस के बैचेस, सारे प्री के बैचेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बैचेस, RBI ग्रेड बी, CET, सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके, राइट? और कोई डाउट? आई होप किसी का नहीं है। चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, आज का सेशन मैं एंड कर रही हूँ। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे, 1, 2, 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye-bye. Take care. Stay blessed. Tata. और ये वाली क्लास तो किसी भी स्टूडेंट को गलती से भी मिस नहीं करनी है, 1:30 बजे। चलिए, bye-bye everyone. Take care. Stay blessed and tata. UPSC के लिए बेसिक्स कैसे करोगे? UPSC के लिए बेसिक्स के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाओगे, वहाँ पे UPSC का सब्सक्रिप्शन लोगे, रेफरल कोड लगाओगे निमिषा, आपको UPSC के बहुत अच्छे टीचर्स अनअकैडमी पे मिलेंगे। UPSC के आज के टाइम पे जितने भी बेस्ट टीचर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, सारे आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे।